हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार से एक समान वेतन की मांग करते हुए विसंगति को अति शीघ्र दूर करने की मांग की है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य आयुर्वेद कर्मचारी संघ के सचिव विनोद शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद कर्मचारी हर स्थान पर अपनी सेवाएं निष्ठ भाव से प्रदान करते आए हैं और भविष्य में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन खेद इस बात का है कि सरकार उनकी वेतन विसंगति को दूर करने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आयुर्वेद कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि उनकी वेतन विसंगतियों को अतिशीघ्र दूर किया जाए, जिससे वे सरकार के साथ सद्भाव से कार्य कर सकें। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य आयुर्वेद कर्मचारी संघ के सचिव विनोद शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद कर्मचारी हर स्थान पर अपनी सेवाएं निष्ठा भाव से प्रदान करते आए हैं और भविष्य में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन खेद की बात है कि सरकार उनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी इस मांग को पूरा करने में आनाकानी करती है तो भविष्य में रणनीति तैयार करके संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। हम लोग पैरिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स यानी वेतन मान में पैरिटी चाहते हैं सरकार से, और इसमें मुख्य रूप से हम वेटनरी डॉक्टर्स और डेंटल डॉक्टर्स के बराबर वेतन मांग की सरकार से वेतन की मांग करते हैं। और इसके साथ साथ हमने कुछ एक विभाग में जो 4914 के अभी पिछले चार वर्षों से लगभग लंबित पड़े मामले हैं, उनके लिए भी हम एक मांग करते हैं कि उनको शीघ्र से शीघ्र उनका निपटारा किया जाए और लोगों को उसका बेनिफिट दिया जाए, और इसके साथ साथ विभाग के लिए एक ठोस पीजी पॉलिसी भी बनाई जाए। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो वेतन विसंगति का है, यानी सरकार से हम यही मांग करते हैं, बार बार करेंगे कि हमको पैरिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स मिलना चाहिए। वहीं जिलाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि उन्हें सरकार से पूरी उम्मीद बनी हुई है कि आयुर्वेद कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो संघ भविष्य में कड़ा रुख अपना सकता है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। सरकार से ये मांग करता हूं कि हम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को, वेटनरी चिकित्सक, दंत चिकित्सक और एलोपैथिक चिकित्सक के समकक्ष जो है वो वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएं। तो हमें अभी तक तो पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी हमारी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसको पूर्ण करेंगे। हमने हाल ही में आदरणीय श्री विपिन परमार जी जो मंत्री हैं हमारे, उनसे मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा था, मांग पत्र सौंपा था। उन्होंने इस पे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक जो है वो इस पे विचार करने का आश्वासन दिया है, और मैं उम्मीद जाहिर करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द सरकार हमारी इस मांग को पूर्ण करेगी।